उच्चा की पूछ पकड़ के मानो भाव सागर तर जाए। हम और जानवर जी को समझा जिसमें जिसमें साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का यानी कि गाय के रूप रूप में देवी देवताओं का वास है, जिसके लिए कन्हैया वन वन भटकते रहे, कांटों में छिदते रहे, आखिर किस लिए? गौ सेवा। दूध दही घी मनमठा जा को अमृत धार बहावे, उच्चा की पूछ पकड़ के मानो भव सागर तर जावे। लेकिन अब कोई पहले तो बहुत सुविधाएं हती की। अरे गौ चर के अब बन गए पट्टे, अब सरकार ने एक जो नौ नियम लागू कर दो, अगर पट्टे बनवा दे। गौ चर के अब बन गए पट्टे, सुमिले को चरैया मिले को चरैया, रो रो के अब तुम्हें बुलावे आओ किसन कन्हैया। अरे रो रो के अब तुम्हें बुलावे आओ किसन कन्हैया, सभी महान भाव से देखिए। हम लोग लोगों आप बुलाते हैं, आपका मनोरंजन करने का हम लोगों का फर्ज रहता है। शादी विवाह महोत्सव में आप लोग हमको बुलाते हैं तो थोड़ा आपका मनोरंजन करना भी बहुत जरूरी रहता है, पर साक्षात एक अच्छी सीख लेना हम लोगों का फर्ज है। बिल्कुल आखिरी बात वो है, अरे जाके रोम रोम में देवी बसे देवता सारे, कैया के एक एक रोम में देवी देवता का वास है। और जहां हम नहीं कह रहे नहीं तो आप सोचो कि मंगल राजपूत आए थे वो भी कह गए थे, हम नहीं जा पाते, प्रमाण करके दे रहे हैं जा आपको बात। जाके रोम रोम में देवी बसे देवता सारे, अरे गोबर में माँ बसी लक्ष्मी कहते वेद हमारे। अपने भारत देश में औरतें सबसे पहले सुबह किस कारण से उठती हैं? और आपने देखा होगा कि हर प्रत्येक दरवाजे पर वो गोबर का लीपन करती हैं और उसको अपने बुंदेलखंडी वाले ओरेन कहते हैं, इसलिए डालते हैं कि घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे। और एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, हम आपसे बहुत छोटे हैं, जोन घर में कहीं की सेवा होत हुई है राघवेंद्र भैया, जोन घर में कहीं की सेवा होत हुई है वो घर में कबूतरों की औरतें ना बिटिया वो बांझ ना रहे जीवन भर। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गए तो हम दावा में कह रहे छाती ठोक के तीन साल सच्चे मन से गाय माता की सेवा कर ले, अगर मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो छोरा फरवा दियो हमें नहीं जाता सब कहा। देखो देखो बात बहुत बहुत बात है। जाके रोम रोम में देवी अरे बसे देवता सारे, गोबर में माँ
काशी लक्ष्मी कहते वेद हवा। और इतने तक नहीं, अरे रोग निदान होते हैं गौ से, रोग निदान होते हैं गौ से, जो जो अरे जो राखे घर में गैया। अभी तक शायद कैंसर की दवा नहीं आई है, भारत देश के वैज्ञानिक कोने भी नहीं निकल पाया है, लेकिन मैं आज दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर कैंसर की दवाई आने वाले भविष्य में कोई आएगी, वो दवा क्या होगी, ये मेरा अनुमान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने मुझे कहा है, 100% वो गौमूत्र होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। कोई भी यज्ञ हवन, कोई भी शुभ कार्य, सबसे पहले उसमें आगे गाय माता ही आती है। रोग निदान होते हैं गौ से, अरे जो राखे घर में गैया, ओ गौ के कारण हर घर में आए सुधर समय। बिल्कुल सही बात है, और हम तो जाई कह रहे हैं, अरे मंगल करे सबई को वैभव, गाना को लिख रहे हमारे परम पूजनीय गुरु महाराज श्री मुन्ना तिवारी जी, जो एक बहुत ही अच्छे कीर्तन कवि हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। अरे मंगल करे सबई को वैभव, घर आए बंसी बजैया, घर आए बंसी बजैया, और रो रो के अब तुम्हें बुलावे, और गौ माता